News 18, India. चीन के कर्ज के बोझ में दब चुका है मालदीव। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात भारत ने नहीं की है, ये बात की है IMF ने। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। IMF ने मालदीव की अर्थव्यवस्था की समीक्षा की और ये माना कि अगर अभी मालदीव ने नीतिगत बदलाव नहीं किए तो कर्ज के मकर जाल में ऐसा फंसेगा मालदीव कि निकल पाना नामुमकिन है। आपको पता है मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू जो कि चीन के समर्थक हैं, पिछले महीने ही वो बीजिंग की यात्रा पर गए थे और जो विकास परियोजनाएं इस वक्त मालदीव में हैं उसके लिए उन्होंने चीन सरकार का धन्यवाद किया था। दरअसल मालदीव ने काफी सारा कर्ज चीन से लिया हुआ है और चीन क्या करता है, दूसरे देशों को मकर जाल में फंसाता है और उसके बाद अपना दबदबा कायम करता है। ये पूरी दुनिया को मालूम है, चीन ने श्रीलंका के साथ ऐसा किया, चीन ने पाकिस्तान के साथ ऐसा किया और अब चीन का टारगेट है मालदीव। भारत से विवाद तो चीन का पूरी दुनिया को मालूम है और भारत से विवाद के बाद कैसे मालदीव के बुरे दिन शुरू हो गए हैं यह आप इससे समझिए। एक तो यहां से जो पर्यटक हैं वो मालदीव नहीं जा रहे हैं, बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड शुरू हुआ और लोगों ने मालदीव की यात्राएं रद्द कर दी। मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन से चलती है, बहुत सारे वहां पर रिजॉर्ट्स हैं, अच्छे होटल्स हैं और बीचेस के लिए वो पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन अब पर्यटक, क्योंकि भारत से काफी सारे लोग मालदीव जाते हैं जो कि उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य केंद्र है, लेकिन अब यहां से लोग नहीं जा रहे हैं और लक्षद्वीप में अब रिजॉर्ट्स बनेंगे, होटल्स बनेंगे, ये एक अलग विषय है। लेकिन जिस तरीके से मोइजू वो चीन के समर्थक माने जाते हैं, भारत विरोधी हैं, ये वो कई मंचों से अपने फैसले लेकर के सार्वजनिक कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अब कोई भी विदेशी सैनिक हमारी धरती पर नहीं होगा क्योंकि हमारा रक्षा क्षेत्र मजबूत हुआ है और उन्होंने भारत से कहा था कि वो अपने सैनिकों को वापस बुला रहे। अब आप ये समझिए कि मोइजू हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे ये साबित होता है कि चीन से उनका याराना अब आगे बढ़ रहा है और भारत से दूरियां हो रही हैं। मोइजू ये नहीं समझ रहे हैं कि वो अपने देश को खड्डे में ले जा रहे हैं, वो अपने देश को गर्त में ले जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष वहां का ये बात जानता है। इसी वजह से वहां का विपक्ष कई मंचों पर मोइजू सरकार को हटाने के लिए हर वो कदम उठा रहा है और सार्वजनिक मंचों से कह चुका है कि अपने पुराने सहयोगी, चाहे फिर वो भारत हो या फिर जो मोइजू के अभी के कदम है जो वो कह रहे हैं कि देश के विकास के लिए है, लेकिन असल में इससे उनका देश पीछे जा रहा है। और यही बात अब IMF ने कही है कि अगर अभी नीतिगत फैसले नहीं लिए गए तो फिर कर्ज के बोझ तले मालदीव नहीं हट सकता है। जो हाल श्रीलंका का हुआ, जो हाल पाकिस्तान का है इस वक्त, क्या वही हाल मालदीव का होने वाला है? क्या भारत से दुश्मनी लेना मालदीव के लिए सबसे बड़ी मुश्किल साबित होने वाला है? यह देखना होगा।